Hello guys, welcome back to channel. So today's topic is what is Australian Award Scholarship, what are the documents required for it and how can you apply it. Okay, in this video I'm gonna apply and we'll show you live how can you apply for it. So let's start the video, but before that you have to hit that subscribe button below. Okay. तो ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप क्या होता है एंड हाउ कैन वी अप्लाई फॉर इट. ये वो स्कॉलरशिप है जहाँ पे आप फ्री में पढ़ सकते हैं, फ्री में घूम सकते हैं और फ्री में वहाँ पे रह भी सकते हैं. ठीक है, तो आपका रहने खाने पीने का खर्च भी गवर्नमेंट उठाता है, आपको लिविंग एक्सपेंसेस देता है, आपका जो ट्यूशन फी है वो पे कर देता है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी देता है, साथ में आपका टिकट फी जो होता है वो भी आपको पे करता है. ठीक है, इसके साथ साथ आपको अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च के लिए आपको स्टाइपेंड भी देता है. ठीक है, सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इट. तो पहली बात तो आपको एक प्रोफेशनल सीवी चाहिए. ठीक है, और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. आप अपना दिस स्कॉलरशिप इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास आपका एक प्रोफेशनल सीवी होना चाहिए. इसके साथ साथ आपको आयल्स भी देना पड़ेगा और आयल्स का स्कोर इज बैंड 6, ओवरऑल 6.5 इज मोस्ट. ठीक है, तो ये सब तो हो गए. इसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस लेटर 3 साल का हो जाएगा और एक्सपीरियंस लेटर बनाते वक्त आपको रिकमेंडेशन लेटर भी बनाना है. ठीक है, यहाँ पे रेफरी रिपोर्ट मांगता है कुछ, वो रिकमेंडेशन लेटर से आप अपना जो बैचलर्स का कॉलेज है वहाँ से एक रिकमेंडेशन या दो रिकमेंडेशन बना सकते हैं, वर्क प्लेस से एक या दो बना सकते हैं. ठीक है, ऐसे 3 रिकमेंडेशन डाल देना है. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ कैन यू अप्लाई इट नाउ. तो हम देखने वाले कि हम कैसे ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना पड़ेगा. तो गूगल क्रोम खोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे डाल करना है आपको OASIS. ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ऑनलाइन ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड OAIS. यस, ठीक है. उसके बाद DAFAT, DFAT का ऑफिशियल वेबसाइट है. इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, मेरे में फर्स्ट में दिखा रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा. ठीक है, या रजिस्टर करना पड़ेगा. सो इफ यू न्यू, अपना ईमेल आईडी डाल के एक अकाउंट बना लीजिए और लॉग इन कीजिए. ठीक है, सो आई लॉग इन फर्स्ट, उसके बाद देखेंगे. अब लॉग इन करने के बाद ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन लेफ्ट साइड में आपको एप्लीकेशन दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना है. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन है. ठीक है, ये मेरा ऊपर दिखा रहा है, मैंने अप्लाई किया है तो मेरा दिखा रहा है. यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना है. ठीक है, यहाँ पे स्कीम पे ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, प्रोसेसिंग होगा. उसके बाद राउंड इनटेक बोलेगा 2024, ऑटो सिलेक्ट है, नेक्स्ट करना है. ठीक है, अब मेरा पहले से अकाउंट है तो दिखा रहा है यू हैव ऑलरेडी हैव अप्लाइड, तो अभी नहीं दिखाएगा आगे. ठीक है, मैं अपना एप्लीकेशन खोल के दिखाता हूँ आपको. एप्लीकेशंस एंड दिस इज माय एप्लीकेशन. आपका पर्सनल डिटेल्स मांगता है स्टार्टिंग में. ठीक है, तो डायल कीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस, ये भी आप इजी कर सकते हैं. उसके बाद स्पाउस का डिटेल्स मांगता है, अगर है तो आप स्पाउस का नाम और उसका जितना भी डिटेल्स मांग रहे हैं वो डायल कर सकते हैं. नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, मैंने नॉट एप्लीकेबल किया है. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आप अपना गार्जियंस का ईमेल आईडी का ईमेल नंबर, गार्जियंस का कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं. ठीक है, इसके बाद प्रीवियस स्कॉलरशिप्स हैव यू अप्लाइड और नॉट, ये पूछता है. ठीक है, अगर कोई अप्लाई किया है, आपको पहले कोई स्कॉलरशिप मिला है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल. स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस, यहाँ पे पूछता है हैव यू अप्लाइड एनी अदर स्कॉलरशिप इन दिस ईयर, तो मैंने बोला है नहीं, दिस इज द ओनली स्कॉलरशिप आई एम अप्लाइंग. ठीक है, तो प्रीवियसली आपने ऑस्ट्रेलिया अवार्ड को अप्लाई किया था, नहीं पूछता है, नहीं मैंने नो किया है. उसके बाद पर्पज स्टडी प्रोग्राम, यहाँ पे आपको आप कौन सा कोर्स पढ़ने वाले हैं वो मेंशन करना है. ठीक है, आपका कोर्स मेंशन करना पड़ेगा, उसका एक कोड होता है. ठीक है, CRISCO के कोड होता है, आपको ऐड करना है और वहाँ पे कोड डाल करके सर्च करना है. ठीक है, तो कोड आपको कोड पहले सर्च कैसे करते हैं मैं उसी कहता हूँ. तो गूगल पे जाइए, सपोज मुझे MBA करना है. ठीक है, तो आई डाल स्टडी कोड फॉर MBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी. ठीक है, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से MBA करना है, तो स्टडी कोड फॉर MBA इन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी. ठीक है, डायल कीजिए, आपको नीचे आइए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है CRISCO, CRISCO ये कोड दिखा रहा है ना, तो ये कोड जितना है इस कोड को आपको कॉपी करना है. ठीक है, इस कोड को कॉपी करके वहाँ पे जाके डायल कर दीजिए और आपको मिल जाएगा, आपका कोर्स डिटेल्स सब कुछ दिखा देगा. उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है. ठीक है, ऐसे स्टडी पर्पज़ पर आप डायल कर सकते हैं. यहाँ पे आप दो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, दो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है. उसके बाद क्वालिफिकेशन डाल करना है आपको अंडर ग्रेजुएट. ठीक है, आपका बैचलर्स का डिटेल्स डाल दीजिए
उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है ये, वेदर इट वॉज योर नेटिव लैंग्वेज और नॉट, सो मैंने नो किया है। सो वॉज इंग्लिश लैंग्वेज द एप्लीकेंट्स, ठीक है, आपने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा था अपना स्टडी जो बैचलर से वो पूछ रहा है, तो मैंने यस किया है। और आपने कोई इंग्लिश टेस्ट दिया है या नहीं ये पूछता है, ठीक है, आइल्स आपको देना चाहिए, ठीक है, देना ही पड़ेगा, उसमें 6.5 आना चाहिए ओवरऑल, इज बैंड 6 चाहिए, ठीक है, तो मेरा इज बैंड 6 ओवरऑल 6.5 है, तो कोई डायल किया है। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी पूछता है, ठीक है, इज द एप्लीकेशन कंप्यूटर लिटरेट, तो आपको कंप्यूटर चलाना आता है, पूछता है, यस बोलिए, ठीक है। कंप्यूटर यूजेज में डेली डाला है मैंने, आप कितनी ऑफ्टन कितना यूज़ करते हैं पूछा है। उसके बाद एप्लीकेशन हैज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मैंने सब डाल दिया वहाँ पे जितने भी थे, ठीक है। उसके बाद कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग हैव यू टेकन बोलता है, तो मैंने नो नो नॉट एप्लीकेबल किया है, ठीक है, तो ट्रेनिंग कोई लिया नहीं है, तो नो कीजिए। और कुछ लिया है तो आप यहाँ पे डायल कर सकते हैं। करंट एम्प्लॉयमेंट, तो अगर आप अभी कहीं पे काम कर रहे हैं, आपका जो अभी के टाइम पे आप कहीं पे कंटिन्यू है जॉब पे, तो उसका डिटेल्स है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना डाला है, ठीक है, मैं अभी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ, तो यही डाला है। तो यहाँ पे आपको पूछता है व्हाट आर योर प्लान्स व्हेन यू फिनिश योर स्टडीज, ठीक है, तो मैंने बोला है वंस आई फिनिश माय स्टडीज आई विल कम बैक टू नेपाल एंड आई विल स्टार्ट माय ओन बिजनेस, ठीक है, ऐसा कुछ डायल किया मैंने, तो आप अपने हिसाब से डायल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस 3 साल का बोला था, करंटली वो हो गया 2 साल का, मैंने डायल किया है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस आप यहाँ पे डायल कर सकते हैं, ठीक है, लिखना है। उसके बाद सपोर्टिंग स्टेटमेंट, दिस इज द बिगेस्ट थिंग, ठीक है, तो ये यहाँ पे व्हाई डिड यू चूज योर पर्पोज स्टडी कोर्स, ठीक है, ये पूछ रहा है व्हाट हाउ विल द पर्पोज स्टडी कोर्स कंट्रीब्यूट टू योर करियर, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया और ये इंस्टीट्यूट क्यों सिलेक्ट किया, ये आप अपने हिसाब से डायल कीजिए, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का QS रैंकिंग आप डायल कर सकते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग, ठीक है, इतना है इसलिए सिलेक्ट किया, और ये कोर्स क्यों पढ़ा, तो मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था तो मैंने इसीलिए पढ़ा, यही बोला है मैंने। उसके बाद आप ये कोर्स पढ़ने के बाद क्या करने वाले हैं, आपके प्लान्स क्या है वो पूछेगा, और इस स्कॉलरशिप से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होगा, ऐसे ही कुछ है, ठीक है, ये थोड़ा सोच के अच्छे से लिखना, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल मेंबरशिप नॉट एप्लीकेबल किया है मैंने। उसके बाद कम्युनिकेशन, कहाँ से आपको इसके बारे में पता चला वही पूछा है, DFAT वेबसाइट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिक्लेरेशन, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब अप्लाई कीजिए, ठीक है, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका एक्सपीरियंस लेटर्स हो गए, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए, उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्ट हो गया, आपका कॉन्वोकेशन हो गया, आपका IELTS सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू अपलोड, ठीक है। उसके बाद आप डिक्लेरेशन पे जाइए, यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, ठीक है।